ये सारे फीचर्स के अलावा इसके अंदर डिक्रिप्शन पॉलिसी भी है। तो जो टनलिंग के बारे में मैंने बताया था, एसएसएल एंड एसएचएच डिक्रिप्शन पॉलिसी, इट मींस टनलिंग करके अगर फायरवॉल को बाईपास की करने की कोशिश की जाए वो नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये फीचर है कि जो इंक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको भी ये डिक्रिप्ट करके इंस्पेक्ट करके और फिर अलाउ या डिनाई जो डिसीजन होगा वो लेगा फायरवॉल। इट मींस हियर वी कैन कॉन्फिगर डिक्रिप्शन पॉलिसी। तो एसएसएल एंड एसएसएच डिक्रिप्शन पॉलिसी का भी फीचर है। अगर कोई ये मेरा फायरवॉल है एंड हियर देयर इज अ यूजर एंड आई वांट टू कंट्रोल ऑल द माइक्रो और सब एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ब्लॉक और फेसबुक चैट और फेसबुक गेम फॉर एग्जांपल, ये मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू अलाउ जस्ट फेसबुक बेस ओनली। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आईपी सेक सॉरी एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी इज मैंडेटरी हियर, बिकॉज़ नाउ व्हाट विल हैपन, एक चैनल यहाँ क्रिएट होगा और एक चैनल इधर क्रिएट होगा ऐसे। तो ये जो हुआ ये एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी कहलाएगा, एसएसएल डिक्रिप्शन। तो टेक्निकली एसएसएल डिक्रिप्शन इज नथिंग, इज जस्ट टर्मिनेटिंग एसएसएल कनेक्शन और एचटीटीपीएस कनेक्शन टू द फायरवॉल, टू द फायरवॉल। तो अगर यहाँ से यहाँ टनल बन गया तो फायरवॉल अगर काफी है तो नहीं नहीं कर पाएगा इंस्पेक्ट।